एवरीवन, वेब उस्ताद के साथ मैं आपके साथ। और आज जो टॉपिक हम कंसिडर करेंगे दैट इज द हॉवर इफेक्ट। ठीक है, सो हॉवर इफेक्ट आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप अपना कर्सर जैसे कि यूट्यूब वेबसाइट है या किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अगर आप अपना कर्सर लेके जाएं, तो जब आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो वीडियो चलना शुरू हो गई, और जब आप इसके ऊपर से कर्सर को हटाएंगे तो वीडियो रुक गई। सो दैट इज एक्चुअली द हॉवर इफेक्ट। सो हॉवर इफेक्ट ये होता है कि अगर आप उसके ऊपर अपना माउस लेकर जाएं वीडियो के ऊपर, या कोई भी टेक्स्ट है या कोई इमेज है उसके ऊपर लेकर जाएं, तो वो अपने अंदर स्लाइड किस्म की वेरिएशन शो करेगा। ठीक है, दैट इज बेसिकली द हॉवर इफेक्ट। ठीक है, तो हॉवर इफेक्ट समझने के लिए हमें चार इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी मज़ीद समझनी है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर आपने इस वीडियो को सारा देखना है। मैं आपको टेक्स्ट के साथ हॉवर इफेक्ट लगाना सिखाऊंगा। अगर आप टेक्स्ट को लगाना सीख जाएंगे तो आप इमेज को भी सीख सकते हैं और वीडियो को भी सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे अपने नोटपैड पे मैंने एक छोटा सा डिफॉल्ट कोड वाला एक HTML के टैग्स को यूज़ करके बना लिया है। अब इसके अंदर हम एक रेफरेंस दे देते हैं, हाइपर रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, और इस रेफरेंस को मैं हैश का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और मैं इधर लिख देता हूँ YouTube। इसको हम सेव करेंगे, और जब मैं अपने ब्राउज़र में आकर इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये YouTube लिखा हुआ है, और ये इसके ऊपर अंडरलाइन आ गया और कलर जो है ब्लू है। ठीक है, अब यहाँ पर ही हमने हॉवर इफेक्ट यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं, चूंकि अभी से हमने कोई वेरिएशन नहीं कोई शो की या कुछ भी हमने इसके अंदर चेंजिंग नहीं लेकर आए, तो इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट इसका मौजूद है वही ऑलरेडी अटैच है। ठीक है, अब इसके हॉवर इफेक्ट के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाएंगे, और उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर इसकी डिवीजन भी देनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ डिवीजन, अब क्लास इसकी मैं दे देता हूँ वेब। ठीक है, और इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। ठीक हो गया, हम अपने स्टाइल सीएसएस के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर डॉट वेब ए लिंक, ठीक है, कि जब उसके साथ लिंक लगा तो उसके अंदर क्या वेरिएशन आए। मैं कहता हूँ कि जब उसके साथ लगा तो उसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। अब लिंक लगने के बाद, चूंकि पहले आप देखें इसका डिफॉल्ट कलर है वो ब्लू है, लेकिन जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। अब देखें आप अंडरलाइन है, मैं इधर आके स्टाइल सीएसएस के अंदर इसको लिख देता हूं टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन नन। अब इससे क्या होगा, आपके पास जब आप इधर आकर इसको देखेंगे तो आपके पास जो अंडरलाइन है वो भी रिमूव हो जाएगी। ओके, सो दिस इज बेसिकली द लिंक। अब अगर हमने इसको विजिट करना है तो लिंक और विजिट तकरीबन सेम ही है। आप ये जब आपके पास उसको विजिट नहीं करता तब वो कलर है, और जब विजिट करेगा तो भी हम कहते हैं कि वो ग्रीन ही रहे, ए विजिटेड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द हॉवर इफेक्ट। मैं कहता हूं कि जब वो इसके ऊपर क्लिक करे तो उस पर हॉवर इफेक्ट आए, एंड द हॉवर इफेक्ट का जो कलर हो दैट इज रेड। ठीक है, उसका जो फॉन्ट साइज हो, मैं कह देता हूँ जो 22px, उसका फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट फेस जो भी आपके हैं, फॉन्ट फैमिली कहता हूँ कॉमिक, ये एक फॉन्ट है, फॉन्ट की स्टाइलिंग है, हमने वो नाम दे दिया इसके अंदर। ठीक है, अब जब मैं इधर आकर इसको रिफ्रेश करूँगा और अब मैं अगर इसके ऊपर कर्सर लेकर जाऊँगा तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो रहा है और उसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो रहा है। दिस इज एक्चुअली द हॉवर इफेक्ट, कि जब आप माउस लेकर जाओगे तो वो उसके अंदर स्लाइट सी वेरिएशन शो करेगा। पहले उसका कलर ग्रीन है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका कलर जो है वो हमारे पास रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज कि जब वो एक्टिव हो,
इसके अंदर हमने चार चीजें पढ़नी है, जब एक लिंक लगा हो, जब उस लिंक को विजिट किया जाए तब क्या होगा, और जब हॉवर इफेक्ट, और एट लास्ट कि जब हमारे पास उस लिंक के ऊपर आपका एक्टिव होगा, यानी कि अभी आप देखेंगे जब उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो लिंक जो है वो एक्टिव हो जाएगा कलर येलो, ठीक है। और फॉन्ट साइज वो 22px हम रख लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली को भी हम चेंज नहीं करते, सेंस एमएस, ठीक हो गया। ओके, नाउ जब मैं इसको इधर आकर रिफ्रेश करूंगा, अब आप देखिएगा डिफरेंस समझिएगा, जब इसके ऊपर लेकर गया रेड, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि कलर येलो हो गया, ऑन क्लिकिंग हमारे पास वो कलर जो है वो येलो हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि लिंक अभी एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अब जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो चूंकि इसके साथ फिलहाल मैंने कोई नहीं लगाया हुआ लिंक, मैंने हैशटैग लगाया तो यहाँ पर हैशटैग ओपन हो जाएगा। हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और इसका लिंक लगा कर मैं आपको अभी शो करवाता हूँ, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ जी इस YouTube.com को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसको सेव करेंगे, इसको यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। अब इसके साथ हमारा जो लिंक है वो इसके साथ अटैच हो चुका है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा YouTube की ऑफिशियल जो पेज है उसके ऊपर ले जाएगा। सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द हॉवर इफेक्ट। अब आप हॉवर इफेक्ट इसी तरह इमेज पर देना चाहें आप इमेज पे दे सकते हैं, आप वीडियो के ऊपर लगाना चाहें आप वीडियो के ऊपर लगा सकते हैं। यूट्यूब के अंदर पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब ने भी इसके अंदर जो है हॉवर इफेक्ट लगाना शुरू कर दिया कि जब आप वीडियो के ऊपर कर्सर को लेकर जाओगे तो ये खुद ब खुद ही वीडियो का एक छोटा सा क्लिप जो है वो चलने लग जाता है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हॉवर इफेक्ट। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।